हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर कल्पना फॉर नीट बायोलॉजी. द टॉपिक आई एम टेकिंग टुडे इज एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट स्टेम. डाइकॉटिलीडन्स और मोनोकॉटिलीडन्स प्लांट्स में मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंस होता है, एम्ब्रियोलॉजिकली डिफरेंस होता है और एनाटॉमिकली भी डिफरेंस होता है. एनाटॉमिकल माने अंदर टिश्यूज किस तरह के हैं, प्लांट के अंदर रूट में, स्टेम में, लीव्स में, टिश्यूज में क्या अंतर होता है. तो इसको स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं. ट्रांसवर्स सेक्शन में ये हम स्टडी टिश्यूज की कर लेते हैं. मान लीजिए ये स्टेम है इस तरह से, तो हम इसको कैसे कट करेंगे, इस तरह से. और फिर यहाँ पर जो किस तरह से सेल्स अरेंज हैं या टिश्यूज अरेंज हैं, वैस्कुलर बंडल्स अरेंज हैं, इसको स्टडी करेंगे. तो ये पतला सा थिन जो है सेक्शन काटते हैं और फिर उसको हम स्टेन करते हैं और उसको फिर स्टडी करते हैं. तो ये जो चीज़ आएगी, ये जो सेल इस तरह से है, लंबी लंबी है मान लीजिए, वो भी ट्रांसवर्स सेक्शन में क्या आएंगी, या तो राउंड आएंगी या पॉलीएंगुलर आ सकती हैं, इस तरह से आ सकती हैं. तो ये इसमें यदि ट्रांसवर्स सेक्शन में कोई गोल दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो गोल ही है, वो हो सकता है सिलेंड्रिकल हो, लंबा हो. सेल्स ज़्यादातर वो स्टेम में लंबाई में ही होती हैं, चाहे वो जाइलम वेसल्स हों या जाइलम ट्रैकीट्स हों या और भी टिश्यूज हों, वो सब इसी में होते हैं. तो स्टेम का हम शुरुआत करते हैं, डाइकॉट और मोनोकॉट स्टेम का. तो इसमें क्या होता है, तीन तरह के टिश्यू होते हैं. पहला होता है एपिडर्मल टिश्यू, जो कि प्रोटेक्टिव होता है, सबसे आउटर कवरिंग होती है. फिर होता है इसके अंदर ग्राउंड टिश्यू, जिसमें बाकी सारे टिश्यूज आते हैं. और थर्ड नंबर है वैस्कुलर टिश्यू, जिसमें मेनली जाइलम और फ्लोएम आते हैं. तो एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू और वैस्कुलर टिश्यू, अब कैसे अरेंज है ये सब हम इसमें स्टडी करेंगे. और डाइकॉट और मोनोकॉट में क्या डिफरेंस है ये हम देखेंगे. तो पहले हम ले रहे हैं डायग्राम, जो कि डायग्रामेटिक है. यहाँ पे हम सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं ले रहे हैं, केवल हम लेयर्स दिखा रहे हैं और अरेंजमेंट ऑफ टिश्यूज दिखा रहे हैं. लेकिन टिश्यू किस तरह के हैं, कॉटिल पैरेन्काइमेटस हैं, कोलेन्काइमेटस हैं, स्पेरेन्काइमेटस, ये हम यहाँ नहीं ले रहे हैं. हम इसके बाद फिर सेलुलर स्ट्रक्चर लेंगे. तो अभी हम डायग्रामेटिक ले रहे हैं. इधर हम ले रहे हैं डाइकॉट स्टेम और यहाँ हम ले रहे हैं मोनो कॉट स्टेम. तो यदि हम इसको ट्रांसवर्स सेक्शन काटेंगे तो क्या होगा, ये हमें सर्कुलर ही दिखाई देगा ऑलमोस्ट. जो स्टेम एंगुलर होते हैं उसमें, उसको छोड़ के बाकी सब में ये ज्यादातर क्या दिखाई देगा, हमें सर्कुलर ही दिखाई देता है. ऐसे ही ये मोनोकॉट में भी ये सर्कुलर ही दिखाई देंगे. और सबसे बाहर की जो लेयर होती है, सिंगल लेयर, ये होती है एपिडर्मिस. इसमें भी होगी रूट में भी होती है, स्टेम में भी होती है. ये प्रोटेक्टिव लेयर है और ये आउटर मोस्ट सिंगल लेयर होती है. सेल किस तरह के होते हैं ये अभी हम बाद में देखेंगे, पर यहाँ पर ये क्या है, सिंगल लेयर ऑफ क्या है, एपिडर्मिस. ऐसे ही मोनोकॉट में भी ये लेयर सिंगल लेयर होगी एपिडर्मिस की. प्रोटेक्टिव है इसमें, कब खासकर डाइकॉट वाले में कभी कभी क्या होते हैं, स्टोमेटा भी होते हैं. जब इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है तब इनमें स्टोमेटा भी होते हैं, जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम करते हैं. तो इसमें भी ये क्या हो गई, एपिडर्मिस हो गई. उसके बाद जो लेयर, इसके बाद जो कुछ होता है वो क्या होता है, ग्राउंड टिश्यू होता है एक्सेप्ट द वैस्कुलर बंडल. तो यहाँ पर
एपिडर्मिस में, डाइकॉट में, यहाँ पर जो है इस तरह के हेयर्स भी मिल सकते हैं, जरूरी नहीं है लेकिन ये हो सकते हैं। इनको जैसे रूट में रूट हेयर्स होते हैं, यहाँ पर हम इनको क्या कहते हैं, ट्राइकोम कहते हैं, और ये मल्टी सेलुलर होते हैं। रूट में रूट हेयर्स सिंगल सेलुलर यूनिसेलुलर होते हैं, यहाँ ये मल्टी सेलुलर होते हैं। अभी हम डायग्रामेटिक उसमें सेलुलर स्ट्रक्चर देखेंगे तो वहाँ इसको डिटेल में करेंगे। उसके अलावा इसमें कुछ स्ट्रोमेटा भी हो सकते हैं पर वो कंपल्सरी नहीं है। उसके बाद जो लेयर आती है वो 3-4 लेयर ठीक आती है, ये कहलाती है हाइपोडर्मिस। हाइपो माने नीचे, किसके, एपिडर्मिस के नीचे है, इसलिए ये कहलाएगी क्या, हाइपोडर्मिस। ऐसे ही इसमें भी होगी हाइपोडर्मिस, लेकिन हाइपोडर्मिस के लेयर तो हाइपोडर्मिस दोनों में है, लेकिन इनके सेलुलर कंटेंट में ये अंतर होगा। यहाँ पे हम देखेंगे बाद में कि ये जो है कोलन काइमेटस होती है इसमें हाइपोडर्मिस, और इसमें क्या होती है, ये स्क्लेरल काइमेटस होती है। तो एपिडर्मिस हो गई, फिर हाइपोडर्मिस हो गई। उसके बाद डाइकॉट में क्या होता है कि जो ग्राउंड टिश्यू है ये दो में डिवाइड रहता है, कॉर्टेक्स और पिथ। सेंटर में पिथ होता है और यहाँ कॉर्टेक्स होता है, लेकिन मोनोकॉट में कोई भी डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है, पूरा बचा हुआ पोर्शन क्या है, ग्राउंड टिश्यू है। यहाँ पे क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें एंडोडर्मिस होती है, एक लेयर होती है जिसको कहते हैं एंडोडर्मिस, सिंगल सेल लेयर है। ये कहलाती है एंडोडर्मिस। मोनोकॉट में एंडोडर्मिस नहीं होती। तो ये एंडोडर्मिस की वजह से क्या होता है, ये पोर्शन तो क्या हो गया, कॉर्टेक्स हो गया, और ये जो सेंटर में पोर्शन आ गया ये क्या हो गया, पिथ हो गया। और दोनों मिला के, बल्कि हाइपोडर्मिस भी, हाइपोडर्मिस और ये कॉर्टेक्स और पिथ, ये सब मिला के क्या होता है, ग्राउंड टिश्यू होता है। तो इसमें क्या होगा, इसमें कॉर्टेक्स और पिथ में नहीं डिफरेंशिएशन है, यहाँ पे इसको हम क्या कहेंगे, ग्राउंड टिश्यू। मोनोकॉट में ग्राउंड टिश्यू है, लेकिन डाइकॉट में ग्राउंड टिश्यू डिफरेंशिएटेड इनटू कॉर्टेक्स एंड पिथ। कॉर्टेक्स कहाँ से शुरू होता है, हाइपोडर्मिस से। हाइपोडर्मिस ये वाला मेन कॉर्टेक्स, और एंडोडर्मिस इतना पूरा एक्चुअली में कॉर्टेक्स होता है, और यहाँ पर जो है ये पिथ होता है। इसमें क्या होता है, इसमें यहाँ पर जो है ये वेज शेप्ड वैस्कुलर बंडल्स होते हैं, और ये किस तरह से अरेंज है, ये रिंग में अरेंज होते हैं। ऊपर से चौड़े और नीचे से पतले, वेज शेप्ड। इस तरह से ये क्या है, ये हो गए वैस्कुलर बंडल्स एंडोडर्मिस के अंदर, किस में अरेंज है, रिंग में अरेंज है। लेकिन मोनोकॉट में ये ग्राउंड टिश्यू में रहते हैं और ये रिंग में नहीं रहते, बल्कि क्या रहते हैं, स्कैटर्ड, स्कैटर्ड इन द ग्राउंड टिश्यू। और उसमें भी क्या खास बात है इनकी, कि जो बाहर की ओर होते हैं वैस्कुलर बंडल, वो तो क्या होते हैं, साइज में छोटे होते हैं, स्मॉलर। ये यहाँ पर ये सारे वैस्कुलर बंडल्स हैं, और जैसे जैसे ये अंदर आते जाएंगे, और ये या तो ओवल होते हैं या फिर बिल्कुल राउंड होते हैं। तो ये इस तरह से रिंग में नहीं है, यहाँ से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, रिंग नहीं है, ये स्कैटर है। और जो यहाँ सेंटर में होंगे ये क्या होते हैं, ये काफी बड़े होते हैं।
तो इस तरह से ग्राउंड टिश्यू ये इसमें ग्राउंड टिश्यू में वेस्कुलर बंडल्स स्कैटर्ड होते हैं, यहाँ पर है रिंग में, यहाँ है स्कैटर्ड। इसके बाद हर एक वेस्कुलर बंडल में ऊपर की साइड क्या रहेगा, पैच रहेगा स्क्लेरेंकाइमा का, उसको हम कहते हैं पेरिसाइकिल। जो रूट होते हैं, रूट में पेरिसाइकिल जो है वो क्या होती है, एक पूरी लेयर होती है, जैसे एंडोडर्मिस की लेयर है ऐसे ही इसमें पेरिसाइकिल की लेयर होती है, लेकिन स्टेम में मोनोकॉट में तो पेरिसाइकिल नहीं होगी और डाइकॉट में पेरिसाइकिल होगी, और वो किस में होती है, केवल वैस्कुलर बंडल के ऊपर होती है, सेमी लूनर शेप में ये होते हैं स्क्लेरेंकाइमेटस। तो ये हो गई क्या पेरिसाइकिल। ये जो एंडोडर्मिस थी इसके ठीक अंदर पेरिसाइकिल होती है, लेकिन कंटिन्यूअस लेयर नहीं है, यहाँ पर ये पैचेस में है, इसमें पेरिसाइकिल नहीं होती। उसके बाद इसमें जो है यहाँ पर क्या होगा, ये फ्लोएम होगा, वैस्कुलर बंडल में मेनली क्या होते हैं, फ्लोएम और जाइलम होते हैं। ये हो गया फ्लोएम, और फ्लोएम और जाइलम के बीच में क्या होता है, कैम्बियम। ये क्या है, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स हैं जो क्या बनाती हैं, सेकेंडरी ग्रोथ करती हैं। सेकेंडरी ग्रोथ माने जो स्टेम है वो मोटाई में बढ़ता है, इसकी डिवीजन से ही सेल्स स्टेम क्या होता है, थिक होता जाता है, मोटाई में बढ़ता है, लंबाई में नहीं, मोटाई में जो बढ़ता है गर्थ में, उसको किसकी वजह से होता है, ये कैम्बियम की वजह से। तो ये जो ये तो हो गई फ्लोएम, ये वाली लेयर हो गई फ्लोएम, और ये हो गई कैम्बियम। और उसके बाद यहां पर जो है ये क्या है, जाइलम। अभी हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे स्टेम और रूट के जाइलम में और मोनोकॉट और डाइकॉट के जाइलम में। तो ये तो हो गया क्या, जाइलम। तो वैस्कुलर बंडल में सबसे बाहर तो हो जाएगा पेरिसाइकिल के पैच, फिर फ्लोएम, फिर कैम्बियम और फिर जाइलम। और इसमें जो है क्या होता है, पहले तो हर एक बंडल में एक क्या रहती है, बंडल शीट रहती है, हर एक बंडल के चारों ओर एक क्या रहेगी, बंडल शीट रहती है स्क्लेरेंकाइमा की, हर एक बंडल के चारों पूरी पूरी। ये है बंडल शीट स्क्लेरेंकाइमा की बनी हुई, हर एक वैस्कुलर बंडल के चारों ओर। उसमें तो पैचेस थे स्क्लेरेंकाइमा के हर एक वैस्कुलर बंडल में, जो क्या बना रहे थे, पेरिसाइकिल बना रहे थे। और यहाँ पर क्या होता है, हर एक बंडल के चारों ओर क्या है, स्क्लेरेंकाइमेटस, ये बंडल शीट है मोनोकॉट में। और इसमें जाइलम कैसे थे, रेडियल, इस तरह से वेसल्स और ट्रकेट्स अरेंज थी। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें क्या होता है, या तो वी शेप होते जाइलम या वाई शेप, ये जो है वी शेप्ड जाइलम है। इस तरह से इसमें जाइलम होता है, मोनोकॉट में।
स्केलेटल वैस्कुलर बंडल है और जाइलम ये वी शेप में इसके जाइलम वेसल्स और ट्रकीट्स अरेंज रहते हैं। और इसमें जो फ्लोएम था, इसमें फ्लोएम कहाँ था, इसमें ग्रीन से दिखा दें तो आपको पता चल जाएगा, ये फ्लोएम था। कैम्बियम के बाहर ये ग्रीन वाला जो दिखा रहे हैं ये क्या था, फ्लोएम था, और उसके अंदर था कैम्बियम और उसके अंदर था जाइलम, ये था फ्लोएम। इसमें जो है फ्लोएम कहाँ होता है, ये जो वी शेप जाइलम है इसके बीच में, यहाँ पर ये जो हम ग्रीन से दिखा रहे हैं ये क्या है, फ्लोएम है, और जो रेड से दिखाया है वो क्या है, ऐसा हर एक में होगा। तो ये हो गया, इसमें ये जाइलम है और ये ग्रीन वाला जो है ये क्या है, फ्लोएम है। ये रेड वाला जाइलम और ये ग्रीन वाला फ्लोएम। इस तरह से हर एक वैस्कुलर बंडल में वी शेप्ड जाइलम और उसके बीच में ये फ्लोएम टिश्यूज होते हैं। अब इसमें क्योंकि वैस्कुलर बंडल रिंग में अरेंज है तो इन वैस्कुलर बंडल्स के बीच बीच में गैप है, जगह है, ये जो है इसमें सेल्स अभी बताएंगे किस तरह की होती है, लेकिन ये क्या कहलाती है, मेडुलरी रेज। कहाँ है ये, दो वैस्कुलर बंडल्स के बीच में, इसमें नहीं होती मेडुलरी रेज, इसमें नहीं होती। और इसमें जो है एक खास बात ये रहती है कि कुछ जाइलम की ट्रकीट्स और पेरेंटाइमा ये क्या होती है, डिजॉल्व हो जाते हैं और ये क्या बना देते हैं, कैविटी बना देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, वाटर कैविटी कहते हैं, लाइसीजिनस कैविटी। लाइसीजिनस माने होता है कि जो सेल के डिजॉल्व होने से बनती हैं उनको लाइसीजिनस कैविटी कहते हैं। तो ये क्या है, ये है वाटर कैविटी, ये जो है ये है वाटर कैविटी। ये हर एक वैस्कुलर बंडल में होगी, कुछ जाइलम की सेल्स और कुछ जाइलम की वेसल्स और प्रोटोजाइलम और जो कुछ पेरेंकाइमा सेल्स, ये डिजॉल्व होके वाटर कैविटी बनाते हैं। ये हो गया डाइकॉट स्टेम और ये हो गया मोनोकॉट स्टेम। अब हम सेलुलर स्ट्रक्चर इसका पढ़ेंगे और टर्म्स भी देखेंगे, अंडार क्या होता है, ओपन क्या होता है, कंजॉइंट क्या होता है, कोलेट्रल क्या होता है, ये सारे टर्म्स हम अभी स्टडी करेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, सेलुलर स्ट्रक्चर इसका देखेंगे, और सेलुलर स्ट्रक्चर के लिए इतना पूरे को नहीं बनाने की जरूरत, हम क्या करेंगे, केवल इतना पोर्शन ले लेंगे, इतना पोर्शन से हमें हम एनलार्ज करके उसको सेलुलर स्ट्रक्चर पढ़ सकते हैं। ऐसे इसमें भी हमें इतना की जरूरत नहीं है, केवल इतना हम ले लेंगे, उसमें सारे सेलुलर स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे। तो ये क्या था, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन था किसका, डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट स्टेम का, जिसमें कि हमने देखा कि कौन कौन सी लेयर्स हैं। अब हम देखेंगे कि हर एक लेयर में किस तरह की सेल्स हैं, उनके लिए क्या टर्म है, और अरेंजमेंट जो है जाइलम में और फ्लोएम में जो उसके सेल्स का अरेंजमेंट है उनके लिए क्या क्या नाम दिया गया है, एपिडर्मिस है, वो कैम्बियम है तो उसके लिए क्या टर्म है, नहीं है तो उसके लिए क्या टर्म है, ये सब हम अभी स्टडी करेंगे। लेकिन उसके लिए क्या ज़रूरी है कि हम इसको एनलार्ज करें और हम थोड़ा सा क्वेश्चन लेंगे और उस डायग्राम को कहेंगे हम सेलुलर, या उसमें सेल्स हम शो करेंगे सारे। तो सबसे बाहर की ओर तो क्या आया था, लेयर आई थी जो, वो क्या थी, एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस में सेल्स कैसी होती हैं, ये बैरल शेप्ड होती हैं, ढोलक की शेप की होती हैं, इस तरह से सिंगल लेयर है ये, प्रोटेक्टिव लेयर है, माने
ये इंटरनल टिश्यूज को, इंटरनल सेल्स को क्या करती है, ये प्रोटेक्ट करके रखती है। इसमें ट्राइकोम्स भी हो सकते हैं, लेकिन ये ट्राइकोम हमेशा क्या होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे। जो रूट्स में रूट हेयर होते हैं वो ये एपिडर्मल सेल्स का ही एक्सटेंशन होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये मल्टी सेलुलर है। तो ये तो हो गया क्या, एपिडर्मिस, और ये हो गए ट्राइकोम। ऐसे इसमें भी होगा एपिडर्मिस, सिंगल लेयर सेल्स प्रोटेक्टिव, और इसके ऊपर क्या होता है, थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल। क्यूटिकल की थिन लेयर होती है। क्यूटिकल का काम क्या है कि वाटर लॉस को, वाटर को लॉस होने से बचाना, या ट्रांसपीरेशन लॉस ना हो, इसकी सरफेस से वाटर का लॉस ना हो, उसके लिए इसके ऊपर क्या होती है, क्यूटिकल की पतली लेयर होती है। ये लेयर जो है ये क्या कहलाएगी, क्यूटिकल, क्यूटिकल की लेयर है। ये डाइकॉट में भी होगी और मोनोकॉट में भी होगी। तो ये तो हो गया एपिडर्मिस और ये होगी क्यूटिकल की लेयर। इसके बाद इस तरह से ले लेते हैं, इतना ही पोर्शन लेंगे। इसमें आ जाती है, इसमें आएगा हाइपोडर्मिस, लेकिन यहाँ हाइपोडर्मिस कैसी होती है, कोलेन काइमेटस होती है। कोलेन काइमेटस कैसे बनाते हैं, कैसे होता है, मतलब ये लिविंग सेल्स हैं, इनके बीच में गैप होता है, थिन लेयर सेल्स हैं, लेकिन इनके बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं वो क्या होती हैं, फिल्ड रहती हैं। किससे, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज या पैक्टिन, ये सब्सटेंसेस जो हैं कहाँ भरे रहते हैं, इनके इंटरसेलुलर स्पेसेस में, इंटरसेलुलर स्पेसेस भी नहीं बल्कि कॉर्नर्स में, जो दो सेल्स के बीच में जगह बसती है, कॉर्नर्स होते हैं, वहाँ पर ये सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पैक्टिन, ये यहाँ पर क्या रहता है, फिल रहता है इस तरह से। तो ये हाइपोडर्मिस है, और इसको किस तरह की सेल्स हैं, इसमें कोलेन काइमेटस। कोलेन काइमेटस का मतलब क्या हो गया कि जो कॉर्नर्स हैं वो थिकेंड होते हैं बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज, हेमी सेलुलोज एंड पैक्टिन। तो ये तो हो गया कोलेन काइमेटस हाइपोडर्मिस। तो यहां पर ये मेन डिफरेंस आ गया मोनोकॉट और डाइकॉट स्टेम में। रूट्स में हाइपोडर्मिस नहीं होती है, वहां सीधे कॉर्टेक्स ही आता है, हाइपोडर्मिस नहीं होती। हाइपोडर्मिस का काम क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट देना। ये स्टेम को मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। यहां पर ये है हाइपोडर्मिस, कैसी सेल्स है, कोलेन काइमेटस। कोलेन काइमेटस मतलब इनके कॉर्नर्स पे जो है वो डिपोजिशन रहता है, और इसमें भी हाइपोडर्मिस होती है, लेकिन यहाँ पे हाइपोडर्मिस क्या होती है, यहाँ पर ये स्क्लेरन काइमेटस होती है। यहाँ पे इसकी सेल्स क्या होती हैं, स्क्लेरन काइमेटस। स्क्लेरन काइमेटस का मतलब पूरी की पूरी इनकी वॉल ही जो है वो क्या होती है, थिक होती है बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। यहाँ पर लिग्निन का डिपोजिशन है और ये डेड सेल्स होती हैं, और स्क्लेरन काइमा जो होता है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है, तो यहाँ पर हमें स्ट्रेंथ की ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए ये सेल्स क्या होती हैं, स्क्लेरन काइमेटस होती हैं, मतलब इनकी
वॉल बहुत मोटी होती है बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, और ये डेड सेल्स होती हैं। ये जो सेल्स होती हैं स्क्लेरेंकाइमा, ये डेड सेल्स होती हैं, इनमें ल्यूमन बहुत कम होता है, लिग्निन इतनी ज़्यादा डिपॉजिट हो जाता है वॉल पे कि जो इनकी कैविटी बचती है ल्यूमन वो क्या होता है, बहुत छोटी होती है। तो इसमें ज़्यादातर तो क्या हो गया, लिग्निन का डिपोजिशन ही हो गया, ये पूरी जो है यहाँ पर ये डिपोजिशन रहेगा लिग्निन का, तो ये सारा जो है ये फिल रहेगा, केवल ल्यूमन बीच में छोटी सी कैविटी रहेगी और उस कैविटी को हम क्या कहेंगे, ल्यूमन कहते हैं, और इसकी बाकी जगह पर ये पूरी सेल जो है सेल वॉल बहुत थिक रहेगी। और ये थिक क्यों है, बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। फिर वही हाइपोडर्मिस, ये स्क्लेरेंकाइमेटस होने से क्या फ़ायदा है कि ये इसको मैकेनिकल सपोर्ट देता है, डेड सेल्स इनका और कोई काम नहीं है, ये क्या करते हैं मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, इनके कोई बोन्स तो होती नहीं प्लांट्स में कि जो उसको सपोर्ट दे, तो इसके लिए इनकी सेल्स ही इस तरह की हो जाती हैं कि प्लांट्स जो अपने आप स्ट्रेट खड़े रहते हैं। तो ये डेलिकेट होते हैं इस टाइम, लेकिन फिर भी ये खड़े रहते हैं, क्यों, क्योंकि इनमें स्क्लेरेंकाइमेटस हाइपोडर्मिस है। अभी हम डिफरेंस करेंगे तो हम वहाँ पर क्लियर कर देंगे, ये भी हाइपोडर्मिस है और ये भी हाइपोडर्मिस है, ये कोलेनकाइमेटस है, ये स्क्लेरेंकाइमेटस है। यहाँ पे डिपोजिशन किसका है, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पैक्टिन, इसमें डिपोजिशन है लिग्निन का। अब इसके बाद जो आती हैं सेल्स वो पूरी क्या है, इसमें इस केस में तो क्या होगा, यहाँ पर एंडोडर्मिस होगी, एंडोडर्मिस की सेल्स वैसे ही जैसे हमने एपिडर्मिस से बनाई थी, ये जो है कॉर्टेक्स की सबसे अंदर की लेयर होगी और ये कहलाती है एंडोडर्मिस। इसमें भी बैरल शेप सेल्स हैं और इसमें क्या होता है, स्टार्च होता है, इसलिए इसको स्टार्च शीट भी कहते हैं। इसमें क्या है, स्टार्च, ये है एंडोडर्मिस। मोनोगॉट्स में एंडोडर्मिस नहीं होती है, इसमें पूरा जो बचा हुआ पोर्शन है वो कहलाएगा ग्राउंड टिश्यू, लेकिन यहाँ पर इसमें जो है ये ग्राउंड टिश्यू, एक तो ये कॉर्टेक्स हो गया, कॉर्टेक्स में यूनिसेलुलर ये थिन वॉल्ड सेल्स होती हैं पैरेन्काइमेटस, और ये लिविंग होती हैं, स्क्लेरेंकाइमा सेल्स तो नॉन लिविंग थी, पर ये क्या होती हैं, लिविंग होती हैं, और इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं, इसमें कोई सब्सटेंस फिल नहीं होता है क्योंकि ये स्टोरेज का काम करती हैं, तो इन इन सेल्स में फूड स्टोर भी रह सकता है, कुछ सब्सटेंसेस जो सीक्रेट होते हैं वो भी स्टोर रह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वॉल थिक नहीं होती और ये लिविंग होती हैं, इनके बीच बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं। तो इस तरह से ये क्या हो गया, ये हो गया कॉर्टेक्स। इसमें कॉर्टेक्स नाम की कोई चीज नहीं है क्योंकि यहाँ पर एंडोडर्मिस जो है वो कॉर्टेक्स ऑफ पीछे मार देती है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर पूरा क्या होगा, ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, ग्राउंड टिश्यू। इसके बाद जो होगा वो क्या होगा, वैस्कुलर बंडल्स आ जाएंगे रिंग में, ये एक वैस्कुलर बंडल है, ऐसे यहाँ पर आ जाएगा, ऐसे यहाँ पर ये दूसरा आ जाएगा, एक वैस्कुलर बंडल है, हमने बताया था वैस्कुलर बंडल में, इसमें सबसे इसमें भी यहाँ पर ग्राउंड टिश्यू में वैसी ही सेल्स होंगी जैसे कॉर्टेक्स में होती हैं, ये इंटरसेलुलर स्पेसेस लूजली अरेंज सेल्स, ये पूरी इंटरसेलुलर स्पेसेस होंगी, ये या तो सर्कुलर हो सकती है, ओवल हो सकती हैं, लेकिन इनके बीच बीच में कोई भी फिल नहीं, कुछ भी फिल नहीं होता है, और ये पूरा इसी तरह से ग्राउंड टिश्यू में
भरी रहती है। ये वेस्कुलर बंडल में सबसे इसमें क्या होगा, स्टेनगाइमेटस पैचेस होते हैं, किसके, पेरिसाइकिल के। पेरिसाइकिल जो होती है वो रूट्स में तो पूरी की पूरी एक लेयर होती है और उसी पेरिसाइकिल से लेटरल रूट्स निकलती हैं, लेकिन स्टेम के केस में ये क्या होती हैं, ये पैचेस में होती हैं और केवल जो वेस्कुलर बंडल है उनके ही ऊपर होती हैं, बाकी और जगह ये नहीं होती हैं, मतलब ये पैचेस में मिलते हैं। हम जैसे वहाँ स्क्लेरेनकाइमा बनाया था, ऐसे ये भी क्या होती हैं, स्क्लेरेनकाइमेटस, क्या है ये, पेरिसाइकिल। से ये दूसरे वाले की शुरू हो जाएंगे, यहाँ पर दूसरा है वेस्कुलर बंडल, जैसे यहाँ पर दूसरा वेस्कुलर बंडल है, इसको हम यहाँ ले रहे हैं। तो इस तरह से ये क्या हो गया, ये पेरिसाइकिल। एंडोडर्मिस में तो स्टार्च ग्रेन्स होते हैं और ये स्टार्च ग्रेन्स जो हैं की वजह से इनको स्टार्च शीट भी कहते हैं, और ये जो है इसके नीचे आ जाता है ये पेरिसाइकिल। एंडोडर्मिस इसमें नहीं होगी, पेरिसाइकिल इसमें नहीं होगी, कॉर्टेक्स इसमें और पिच इसमें डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता। और इसके बाद पेरिसाइकिल के बाद इसमें क्या आ जाएगा, फ्लोएम। तो फ्लोएम हम यहाँ पे दिखा देते हैं, फ्लोएम में क्या क्या होता है, तीन तरह की सेल्स होती हैं, कंपेनियन सेल्स, सीट्यूब्स और फ्लोएम पेरेन्काइमा। तो तीन तरह से हम यहाँ पर सेल्स दिखा दे रहे हैं फ्लोएम की। ये हो गया फ्लोएम, कुछ को तो हम पूरा भर देते हैं कुछ सेल्स को, और कुछ में इस तरह कर दे रहे हैं। तो ये क्या हो गया, तीन तरह की सेल्स होती हैं फ्लोएम में, एक तो सीट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स और फ्लोएम पेरेन्काइमा। ये हो गया फ्लोएम। और फ्लोएम और जाइलम के बीच में इसमें क्या होती हैं, फ्लैटेंड सेल्स होती हैं, किसकी, कैम्बियम की। कैम्बियम क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है स्टेम की थिकनिंग के लिए, जो स्टेम जो होते हैं वो चौड़ाई में मोटे होते जाते हैं बिकॉज ऑफ द एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम। कैम्बियम क्या करता है, ये बाद में सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो कैम्बियम यदि होता है जिसमें, उसको हम क्या कहते हैं, ओपन वेस्कुलर बंडल। ये वेस्कुलर बंडल क्या हो गए, ओपन, और इसमें कैम्बियम नहीं होता इसलिए वो कहलाते हैं क्लोज्ड। तो ये ओपन वेस्कुलर बंडल का मतलब क्या हो गया कि ये कैम्बियम प्रेजेंट है। अभी हम दो तीन टर्म्स लेते हैं ओपन और वो सब अभी क्लियर करते हैं। फिर इसके बाद इसमें क्या आ जाएगा, कैम्बियम के बाद ये जाइलम आ जाएगा, ये जाइलम की वेसल्स हैं। इनके बीच में पार्टीशन नहीं होता, ये ट्यूब की तरह की होती हैं और पानी के कंडक्शन का काम करती हैं, और जो इनके बीच बीच में होती हैं वो होती हैं ट्रकीज। ये पार्टीशन होता है, कंटिन्यूस पाइप जैसी नहीं होती हैं, ये ट्रकीज होती हैं। तो ये हो गया जाइलम। इसी तरह से यहाँ पर जो है ये फ्लोएम वाले आ जाएंगे सेल्स, फिर कैम्बियम आ जाएगा, और फिर ये दूसरे वाला वेस्कुलर बंडल है, और उसके बाद जो है ये यहाँ पे ये जाइलम आ गया। तो ये पूरा एक वेस्कुलर बंडल हो जाएगा। अब ये दो वेस्कुलर बंडल के बीच बीच में क्या होती हैं, रेडियली इलोंगेटेड इस तरह की सेल्स होती हैं, और ये क्या बनाती हैं,
मेडुलरी रेज, ये वाटर वाटर को क्या करती हैं, लेटरली ट्रांसवर्सली ट्रांसपोर्ट करती हैं। जाइलम और टैकिट्स तो क्या करते हैं, ऊपर या नीचे लाएंगे, लेकिन ये क्या करती हैं, साइड में लेटरली, लेटरल ट्रांसपोर्ट के लिए क्या होती हैं, यहाँ पर ये होती हैं ये मेडुलरी रेज। कहाँ होती हैं, ये दो वेस्कुलर बंडल के बीच में। अब क्योंकि इसमें तो स्कैटर्ड है, इसलिए इसमें मेडुलरी रेज नहीं होंगी। और जो ये बच गया बीच में सेंटर पोर्शन, इतना बचा है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर फिर ऐसे ही ये पैरेन्काइमेटस सेल्स होंगी, जो जिनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं। जहाँ वो हॉलो स्टेम होते हैं बीच में, वहाँ पर ये पित नहीं होगा, अदरवाइज ये पित पैरेन्काइमेटस पित बीच में होता है, ये क्या रहता है पित। तो इसमें ग्राउंड टिश्यू कॉर्टेक्स और पित में डिवाइड रहता है, और ये बीच में ये वेस्कुलर बंडल आ गया, ये एक वेस्कुलर बंडल है, ऐसे ही यहाँ पर ये दूसरा है, इधर जैसा ये रिंग में अरेंज है, ये पूरा ये वेस्कुलर बंडल है, ये है डाइकॉट में। अभी हम एक आध टर्म्स समझते हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, उसको अभी हम लेते हैं, पहले इसको ले लेते हैं। इसमें केस में हमने क्या बताया कि आपको, कि इसमें वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड रहते हैं, और जो पेरिफेरी की तरफ हैं वो तो क्या हैं, बहुत छोटे छोटे हैं, और सेंटर वाले क्या हैं, बड़े हैं। तो हम ये एक सेंटर वाले को ले लेंगे, उसका स्ट्रक्चर हम उसको क्लियर कर लेंगे बाकी में। तो सबसे पहली चीज़ तो क्या है कि इसके चारों ओर क्या रहेगी, स्क्लेरेन्काइमा की शीत रहती है, जिसको हम क्या कहते हैं, बंडल शीत कहते हैं। ये क्या कैसी सेल्स हैं, स्क्लेरेन्काइमा, जैसे हाइपोडर्मिस की थी ऐसे ही यहाँ पर है। तो ये हो गया क्या, बंडल शीत, हर एक इसमें ये इस तरह की शीत है, स्क्लेरेन्काइमा की बनी हुई। वेस्कुलर बंडल्स क्या है, स्कैटर्ड है, रिंग में नहीं है, डाइकॉट की तरह से नहीं है, और इसमें क्या होता है, ये स्क्लेरेन्काइमा की शीत होगी, सिंगल लेयर या टू लेयर या थ्री लेयर इस तरह से हो सकती है, पर होगी ये हर एक के चारों, हर एक वेस्कुलर बंडल के चारों ओर ये क्या है, बंडल शीत है, मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमा सेल्स। स्क्लेरेन्काइमा सेल्स का मतलब क्या हो गया कि उनमें ल्यूमन बहुत कम होगा, कैविटी बहुत कम होगी, और ज़्यादातर क्या होती है, वॉल में लिगनिन का डिपोजिशन रहेगा, और उसकी वजह से ये कैविटी बहुत, इसकी ल्यूमन जो है वो बहुत छोटी होती है। तो ये तो हो गया बंडल शीत। इसके बाद इसमें जाइलम होता है, जाइलम वर्सेस है, ये हो गया जाइलम वर्सेस, और इसमें फ्लोएम कहाँ होता है, यहाँ इस जगह पर, जो वी के आर्म हैं इसके, उस जगह पर फ्लोएम होता है, और फ्लोएम में पैरेन्काइमा नहीं होता, इसमें दो ही तरह की सेल्स होंगी, कंपेनियन सेल्स और सेल्स, ऐसे इसमें जो वी शेप दी है इसके बीच में क्या होगा, फ्लोएम यहाँ पर होता है। तो ये हो गया फ्लोएम। अब एक चीज जो इसमें खास होती है, इसमें नहीं होती, वो क्या है, कुछ यहाँ की वेसल्स, प्रोटोजाइलम की वेसल्स और कुछ पैरेन्काइमा क्या होता है, डिजॉल्व हो जाते हैं, सेल्स जो है वो डिजॉल्व हो जाती हैं और कैविटी बनाती हैं, इनको कहते हैं वाटर कैविटी, ये लाइसीजिनस कैविटी है। लाइसीजिनस कैविटी का मतलब होता है कि सेल्स के डिजॉल्व होने से बनने वाली कैविटी, इसमें वाटर फिल्ड रहता है, वाटर फिल्ड कैविटी होती है। ये एक पूरा वेस्कुलर बंडल है, तो इसमें वी शेप जाइलम, इसमें जाइलम एलिमेंट्स कम होते हैं, और बाकी ये जो बचे हुए हैं इसमें एक छोटी छोटी सी ट्रैकीड्स होंगी, यहाँ पर जाइलम के पैरेन्काइमा ट्रैकीड्स वगैरह ये सब यहाँ पर बाकी जगह पर
होती है, ट्रेकीज भी वेसल्स की तरह होती है लेकिन इनके बीच में पार्टीशन होता है, जबकि वेसल्स के बीच में पार्टीशन नहीं होता है। और इसमें यहाँ पर ये वाटर कैविटी हो गई, लाइसीजिनस कैविटी कहलाते हैं। और जो ये बच गया पूरा पोर्शन, ये यहाँ पर क्या है, ब्राउन टिश्यू और नीले से ग्राउंड टिश्यू को हम ग्रीन से दिखा रहे थे इसलिए इसको ग्रीन से ही दिखा देते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जाइगोट में तो क्या हुआ था, ग्राउंड टिश्यू डिवाइड हो गया था कॉर्टेक्स और पिथ में, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये जो बच गया पोर्शन ये पूरा का पूरा क्या होगा, ग्राउंड टिश्यू होगा। और इसमें कोई डिफ्यूजन नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एंडोडर्मिस जो नहीं है उसकी वजह से ये डिवाइड नहीं रहता कॉर्टेक्स और पिथ में। इसमें जो सेंटर वाला पोर्शन आएगा वो तो पिथ है और इसमें कुछ नहीं है, सब जगह वैस्कुलर बंडल स्कैटर्ड रहते हैं। और बस अंतर क्या है कि जो जो पेरिफेरी की तरफ वैस्कुलर बंडल होंगे वो क्या होंगे, स्मॉलर होते हैं, और जो सेंटर की तरफ आते हैं तो क्या होते हैं, लार्ज होते हैं। इसमें जाइलम की एलिमेंट्स बहुत कम होते हैं, वेसल्स होती हैं, और फ्लोएम जो है वो जाइलम वेसल्स के आर्म्स के बीच में होता है, वी शेप जो जाइलम है उसके बीच बीच में ये फ्लोएम होता है। ये सेल्स कभी भी काटती नहीं है एक दूसरे को, इस तरह से रहेंगे जैसे यहाँ छोटी सी हो जाएगी, ये काटेंगी नहीं या कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है। ये क्या हो गया, ग्राउंड टिश्यू। तो ये हो गया डाइकॉट और ये हो गया मोनोकॉट। अब कुछ चीज़ें बता देते हैं यहाँ पर। पहली चीज़ तो कैम्बियम है, इस तरह के वैस्कुलर बंडल क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं ओपन वैस्कुलर बंडल। और यहाँ पे यदि हम देखें तो हमने यहाँ पर जाइलम वेसल्स क्या बनाई हैं, बड़ी बड़ी बनाई हैं और यहाँ पर छोटी बनाई हैं। क्यों, क्योंकि ये पुरानी और बड़ी हैं और ये नई बन रही हैं, और ये वो है, ये कहलाती हैं जो छोटी छोटी हैं ये कहलाती हैं प्रोटोजाइलम, और जो ये बड़ी वाली हैं पुरानी वाली ये कहलाती हैं मेटाजाइलम। तो हम देख रहे हैं जाइलम दोनों ही स्टेम में क्या होता है कि प्रोटोजाइलम टूवर्ड्स सेंटर होता है और मेटाजाइलम टूवर्ड्स पेरिफेरी होता है, ऊपर इस तरह से अरेंज है, लेकिन बड़ा फिर छोटा छोटा होते थे। यहाँ में नई वाली जाइलम वेसल्स यहाँ पर है, तो ये प्रोटोजाइलम है ये मेटाजाइलम। तो वो कंडीशन जिसमें प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ होता है और मेटाजाइलम पेरिफेरी की तरफ होता है उसको हम क्या कहते हैं, एंडार्क। तो यहाँ पर ये टर्म एक समझने का है, एंडार्क जाइलम, एंडार्क जाइलम। एंडार्क जाइलम का मतलब क्या हुआ, प्रोटोजाइलम टूवर्ड्स सेंटर एंड मेटाजाइलम टूवर्ड्स पेरिफेरी, इसमें भी इसमें भी। और जो रूट्स में पढ़ेंगे हम उसमें क्या होता है, एक्सार्क होता है, ठीक उल्टा होता है, प्रोटोजाइलम बाहर होता है और ये अंदर। तो एक तो टर्म ये हो गया एंडार्क, ये आया हुआ है क्वेश्चन इसी साल पूछा गया है 2022 में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे कि इस तरह का जाइलम होगा जिसमें प्रोटोजाइलम टूवर्ड्स सेंटर हो और मेटाजाइलम टूवर्ड्स पेरिफेरी स्टेम में होता है और वो क्या कहलाता है, एंडार्क कहलाता है। फिर हम यहाँ देख रहे हैं एक टर्म आएगा, दूसरा टर्म आता है कंजॉइंट एंड कोलेटरल, इसको और क्लियर कर देते हैं। ये एंडार्क और एक्सार्क में हम एंडार्क को तो ये जो प्रोटोजाइलम है वो छोटा होता है, तो जैसे ये है स्टेम में कैसा हम दिखाएंगे, इस तरह से ये क्या है प्रोटोजाइलम, ये है मेटाजाइलम, ये कंडीशन क्या है एंडार्क। और रूट्स में हम पढ़ेंगे तो हम कैसे दिखाएंगे, रूट्स में इस तरह का दिखाएंगे, ये प्रोटोजाइलम है और ये मेटाजाइलम है, ये स्टेम में होता है ये रूट में होता है, ये एंडार्क है ये एक्सार्क है। तो एंडार्क जो है माने क्या हो गया, प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स सेंटर। दूसरा टर्म आता है कंजॉइंट, यहाँ पे हमने देखा कि एक ही रेडियस पर जाइलम है और फ्लोएम है,
जाइलम, यदि हम इस तरह से बांटे रेडियस, तो जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस पर है, यहीं पर, यहाँ पे जाइलम है और यहाँ पर फ्लोएम है, तो ये कहलाता है कंजॉइंट, कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल। ये भी 2022 में आया हुआ है एग्जाम में, नीट एग्जाम में। इसका अपोजिट क्या होता है? रेडियल, रूट में। रूट में क्या होता है? यहाँ तो जाइलम होते हैं, ये केवल जाइलम होंगे, उल्टा वो बना दिया ना, एग्जार्क होगा इसमें। ये तो जाइलम होंगे पूरे, और फ्लोएम कहाँ होगा? यहाँ, माने अलग रेडियस पर। जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस पर नहीं है, ये फ्लोएम है और ये क्या है? जाइलम है। इस तरह के इसको क्या कहते हैं हम? इसको कंजॉइंट कहते हैं, इसको कहते हैं रेडियल। ये होता है रूट्स में, तो ये डिफरेंस रूट और इसमें है। तो यहाँ पर कंजॉइंट, कंजॉइंट का मतलब क्या हुआ कि जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस पर होते हैं। फिर एक टर्म आता है कोलेटरल, कंजॉइंट और कोलेटरल, ये भी 2022 के ये मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन में इसमें आया हुआ है ये सारे टर्म्स। तो कोलेटरल का मतलब क्या हो गया कि ये जाइलम हो गया और ये फ्लोएम हो गया, एक ही रेडियस पर कंजॉइंट, और एक जाइलम एक फ्लोएम कोलेटरल। और यदि इस तरह से हो कि ये क्या हो, जाइलम हो और यहाँ पे भी फ्लोएम हो और यहाँ पे भी फ्लोएम हो, तो ये क्या कहलाते हैं? बाइकोलेटरल। ये रेगुलर फीचर नहीं है, किसी किसी प्लांट में होते हैं। तो कंजॉइंट तो ये स्टेम का कैरेक्टरिस्टिक हो गया, और कोलेटरल माने एक ही जाइलम और एक ही फ्लोएम का पैच होगा और वो एक ही रेडियस में है। तो एंडार्क का मतलब प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स सेंटर एंड मेटाजाइलम टुवर्ड्स पेरिफेरी। और फिर आता है ओपन, ओपन वेस्कुलर बंडल का मतलब क्या हुआ? कैम्बियम प्रेजेंट, मतलब किस चीज के लिए ओपन है? ये सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। और ये कैसे होता है इसमें वेस्कुलर बंडल? क्लोज्ड, मतलब इसमें कैम्बियम नहीं होता है और इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, क्योंकि ये प्लांट मोनोकॉट वाले बहुत ज्यादा सालों तक जिंदा नहीं रहते, इनको मोटाई में बढ़ने की जरूरत नहीं होती है, ये पतले पतले डेलिकेट रहते हैं, और इस तरह से ये इनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती और ये इनके वेस्कुलर बंडल क्लोज होते हैं। यहाँ पे आप कहीं कैम्बियम नहीं देख रहे हैं, इसमें कैम्बियम है। अब हम ले लेते हैं, ये तो हो गया डिस्क्रिप्शन, अब हम लेते हैं डिफरेंस, डाइकॉट और मोनोकॉट का डिफरेंस। पहला पॉइंट तो कहाँ पे डिफरेंस आया है? हाइपोडर्मिस में। यहाँ पे क्या है? हाइपोडर्मिस कैसी है? कोलेनकाइमेटस, कोलेनकाइमेटस का मतलब क्या हो गया कि सेल्स जो है उनके कॉर्नर्स जो है वो ठीक है, फिल्ड है, किससे? सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पैक्टिन से। यहाँ पे हाइपोडर्मिस कैसी है? स्क्लेरेनकाइमेटस, स्क्लेरेनकाइमेटस का मतलब डेड सेल्स हैं और थिक वॉल है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। यहाँ पर क्या डिपोजिशन होता है? लिग्निन, स्क्लेरेनकाइमा में लिग्निन डिपोजिशन। दूसरा जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा? यहाँ पे हमने बताया था कि यहाँ कॉर्टेक्स और पिथ बटा हुआ होता है, ग्राउंड टिश्यू डिफरेंशिएटेड इनटू कॉर्टेक्स एंड पिथ। कॉर्टेक्स कहाँ से होता है? यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये पूरा जो है ये पूरा पोर्शन क्या है? कॉर्टेक्स है और ये पिथ है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ग्राउंड टिश्यू डिफरेंशिएटेड इंटू कॉर्टेक्स एंड पिथ। इसमें पूरे में पैरेनकाइमेटस सेल्स होती हैं, थिन वॉल्ड लिविंग सेल्स, और इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं। पिथ में तो खासकर बड़ी बड़ी इंटरसेलुलर स्पेसेस होती है। इसमें यहाँ पर क्या है? पूरा ग्राउंड टिश्यू है, माने ग्राउंड टिश्यू नॉट डिफरेंशिएटेड,
नॉट डिफरेंटिएटेड इनटू कॉर्टेक्स एंड पिथ। थर्ड पोर्शन क्या आ गया, ये लेयर क्या आ गई, एंडोडर्मिस। तो इसमें क्या हो गया, एंडोडर्मिस प्रेजेंट। एंडोडर्मिस में क्या होता है, स्टार्च ग्रेन्स होते हैं, स्टार्च शीट भी कहते हैं इसको। और इसमें क्या होगा, एंडोडर्मिस एब्सेंट। फिर कौन सी लेयर आई थी, पेरिसाइकिल। यहां पर स्क्लेरल डायमेट्रस पैचेस हैं पेरिसाइकिल के, इसमें वैस्कुलर बंडल के जस्ट अबव। तो पेरिसाइकिल प्रेजेंट किस फॉर्म में प्रेजेंट है, स्क्लेरेंकाइमेटस पैचेस, कंटिन्यूअस नहीं है बल्कि ये स्क्लेरेंकाइमेटस पैचेस है, इसमें पेरिसाइकिल नहीं है, माने पेरिसाइकिल एब्सेंट। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है वैस्कुलर बंडल्स इन ए रिंग, एक रिंग में थे और इक्वल साइज के थे सब ऑलमोस्ट। ये क्या होते हैं, इक्वल साइज के। और इसमें क्या होते हैं, ये स्कैटर्ड होते हैं ग्राउंड टिश्यू में, और स्मॉलर किधर होते हैं, टुवर्ड्स पेरिफेरी, और लार्जर टुवर्ड्स एंड लार्जर टुवर्ड्स सेंटर। ये छोटे छोटे हैं, ये बड़े हैं। फिर सिक्स पॉइंट आता है इसमें क्या लेयर थी, कैम्बियम। कैम्बियम है इसका मतलब वैस्कुलर बंडल्स क्या हो गए, क्या हो गए, ओपन। ओपन का मतलब कैम्बियम प्रेजेंट। और इसमें क्या होगा, वैस्कुलर बंडल्स क्लोज्ड। क्लोज्ड का मतलब कैम्बियम नहीं है, इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी, स्टेम जो है वो चौड़ाई में वो मोटा नहीं होगा। फिर इसके बाद फ्लोएम में, यहाँ हमने बताया था तीन तरह के टिश्यूज होते हैं, सेल्स होती हैं, कंपेनियन सेल्स, सीड ट्यूब्स और फ्लोएम पेरेन्काइमा। इसमें फ्लोएम पेरेन्काइमा नहीं होता, फ्लोएम में केवल सीड ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स होते हैं। तो फ्लोएम पेरेन्काइमा प्रेजेंट, इसमें फ्लोएम पेरेन्काइमा नहीं होगा, फ्लोएम पेरेन्काइमा एब्सेंट। फिर उसके बाद एट नंबर पे आ जाता है बंडल शीट। इसमें क्या था, हर एक वैस्कुलर बंडल के चारों ओर क्या था, बंडल शीट था, स्क्लेरेंकाइमेटस बंडल शीट थी। इसमें बंडल शीट, बंडल शीट एब्सेंट, वैस्कुलर बंडल के चारों ओर कोई भी शीट नहीं होती। इसमें होती है, कैसी होती है, स्क्लेरेंकाइमा। बंडल शीट प्रेजेंट, हर एक वैस्कुलर बंडल के चारों ओर ये बंडल शीट होती है। फिर नेक्स्ट आ जाता है दो वैस्कुलर बंडल के बीच में, यहां पर ये दो वैस्कुलर बंडल के बीच में ये जो थी, ये इस तरह से लंबी लंबी रेडियली अरेंज ये सेल्स होती हैं, इसको कहते हैं मेडुलरी रेज। तो ये मेडुलरी रेज जो लेटरल ट्रांसपोर्ट करती हैं, मेडुलरी रेज इसमें प्रेजेंट है और इसमें क्या होंगी, एब्सेंट। यहाँ पर कोई मेडुलरी रेज नहीं है क्योंकि यहाँ पर स्कैटर वैस्कुलर बंडल है, वहाँ पर कोई भी नहीं है। फिर दसवीं क्या आती है, इसमें ये लाइसिजिनस कैविटी है, या इसमें तो नो वाटर कैविटी है, टाइकोस में कोई भी वाटर कैविटी नहीं है।
यहाँ पर व्हाइट वाटर कैविटी है। वाटर कैविटी कैसी है? लाइसीजीनस का मतलब होता है जो सेल्स के डिसोल्यूशन से बनती है, जिसमें सेल्स जो है वो घुल जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। तो ये कुछ जाइलम की सेल्स, कुछ ट्रैकीट्स और कुछ क्या पैरेन्काइमा, ये डिसॉल्व होकर क्या बनाती हैं? वाटर कैविटी बनाती हैं। फिर इसमें जाइलम में अंतर है अरेंजमेंट। जाइलम कैसा है? ये मेटा जाइलम, फिर इसका छोटा छोटा ये बिल्कुल नया वाला प्रोटोजाइलम। तो मेटा जाइलम से लेकर प्रोटोजाइलम तक सब क्या है? एक रेडियल लाइन में है। तो जाइलम जो है, इसमें जाइलम वेसल्स जो है वो कैसे अरेंज है? रेडियली अरेंज। और इसमें कैसे है? या तो वी शेप है या वाई शेप, या तो वी शेप और वाई शेप। अब फ्लोएम इसमें कहां अरेंज है? जाइलम के ऊपर कैम्बियम, कैम्बियम के ऊपर फ्लोएम। तो फ्लोएम जो हो गया वो कहां हो गया? आउटर टू कैम्बियम एंड जाइलम। इसमें फ्लोएम कहां है? ये जाइलम के जो जो वी आर्म है उनके बीच में, ये हो जाएगा इन बिटवीन बी और वाई ऑफ जाइलम। तो ये डिफरेंसेस हैं मोनोकॉट और डाइकॉट स्टेम में। मेन डिफरेंसेस यही है स्टेम में। इसमें जो टर्म्स आए हैं ओपन वेस्कुलर बंडल एंड डार्क जाइलम, और ये कंजॉइंट कोलेटरल, ये टर्म सब इसी साल 2022 में ही आया है क्वेश्चन इसका नीट में, इसलिए ये टर्म्स जाने बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से ये पूरा हो गया। यदि अच्छा लगा हो वीडियो तो आप लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए मेरे चैनल को, जिससे कि और भी वीडियो आप देख सकें। थैंक यू।